Namaskar everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So today we are talking about a very important topic, and that is hum manifest kyun nahi kar pa rahe hain. Agar kuch bhi hum kar rahe hain, hum sari practices follow kar rahe hain law of attraction ki, aur uske baad bhi manifestation nahi ho raha hai. So what is manifestation basically? जैसा कि हर बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उसमें बताया जाता है कि मैनिफेस्टेशन है क्या, आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेस जो हैं वो आप चाहते हैं जो लाइफ में वो पूरा होना. बेसिकली उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, पहले से ही आपको प्रेजेंट टेंस में अज्यूम करना है, लॉ ऑफ अज्यूम्पशन का आपको प्रैक्टिस करना है आपको कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. लेकिन वो हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या चीज़ का इशू आ रहा है, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट टुडे, कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सारी फॉलो करने के बाद में भी क्यों नहीं हो रही है. सो येस्टरडे व्हाट हैपेंड इज कि माय सन, मेरा बेटा, लाइक ही इज़ जस्ट 7.5 years, और उसने मुझे कहा कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन एंड ही सेड कि मामा मैनिफेस्टेशन इफ़ आई टॉक अबाउट तो आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम कार, लाइक द स्मॉल टॉय कार ही वॉज लुकिंग फॉर. वो काफ़ी टाइम से उसके लिए सोच रहा था और उसको वो मिल गई. सो आई सेड हाउ, तो उसने कहा कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया पापा से और वो मुझे मैंने उसको मैनिफेस्ट किया. तो मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर वो नहीं आई या कुछ ऐसा? तो उसने कहा नहीं, ऑर्डर प्लेस कर दिया था तो पता ही था कि वो आएगी और मुझे पता था कि मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूँगा. बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके साथ ये बातें हो रही हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर में बच्चों के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी बातें होती हैं, तो इतना छोटा सा बच्चा इफ़ ही अंडरस्टैंड इट्स रियली गुड. तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज़ द मेजर एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके लिए भी. आप इस बात को इससे रिलेट करके देखें, जब आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जब आपने ऑर्डर प्लेस किया दैट मीन्स आपने वो रिक्वेस्ट की कि मुझे ये मिल जाए, ठीक है. आपने ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आप बिल्कुल उसको भूल गए, उसमें अगर डिलीवरी डेट 3 days बाद की आ रही है तो आप 3 दिन तक डेली जाके अपनी डेस्पिरेशन से ये नहीं देखेंगे कि क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी, मेरा ऑर्डर पूरा होगा या नहीं होगा, डिलीवर होगा या नहीं होगा, नहीं देखते ना. जब 3rd day वो चीज़ आने वाली होती है, जिस दिन आपका ऑर्डर आपके पास डिलीवर होना होता है, उसी दिन आप एक बार देखते हैं कि इज़ इट ऑन द वे और नॉट, ठीक है, और आपकी जो ऑर्डर होता है वो आपको डिलीवर हो जाता है, सिंपल. सो जब हम एक ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पे इतना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, सो वही जो विश्वास है वही आपको करना है यूनिवर्स पे. जब भी आप कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई सिचुएशन या आपकी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो थॉट है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए कि आपने यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस कर दिया. नाउ योर विश इज़ द कमांड फॉर यूनिवर्स. यूनिवर्स इज़ योर जीनी, वर्क्स लाइक योर जीनी. तो आपने जब ऑर्डर प्लेस किया तो बस आप ये सोच लीजिए कि ऑर्डर प्लेस्ड, इट विल बी डिलीवर्ड. अब वो डिलीवर्ड कैसे करना है वो यूनिवर्स की अपनी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उनके लिए कुछ नहीं है. बट अगर आप हमेशा थोड़ा सा टाइम निकला नहीं और फिर सोचने लग गए मैंने तो इतने टाइम से मैं मैनिफेस्ट के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग्स करके सुन रहा हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रहा हूँ, या फिर मैं इस बात के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल इट्स नॉट गेटिंग डन, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा फेथ के साथ. जब आप फेथ और पेशेंस दोनों रखते हैं तो उसके बाद में, और ये नहीं सोचते कि वो कैसे होगा फुलफ़िल, बिकॉज जब आप कैसे फुलफ़िल होगा ये आप सोचने लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ को, उस बात को, उस सिचुएशन को लिमिट कर देते हैं. हो सकता है आपने जो मैनिफेस्ट करने के लिए आपने जो टेक्निक्स अप्लाई की हैं, प्रैक्टिसेस आपने फॉलो की हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मे बी यू डिज़र्व मोर देन दैट. हो सकता है आपको उससे ज़्यादा कुछ मिलना हो, लेकिन आपने लिमिट कर दिया
कि ये ऐसे ही होना चाहिए. जब आपने ऐसे ही होना सोच लिया तो वो चीज़ जब वैसे होगी तो उतना ही शायद मिलेगा और मे बी उससे कम. लेकिन वो कैसे लिखा हुआ है या कैसे होना चाहिए ये यूनिवर्स का जो टास्क है. तो आप यूनिवर्स पे कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, जैसे किसी भी डिलीवरी पोर्टल पे आप छोड़ देते हैं कि ओके फाइन हमने ऑर्डर कर दिया, कहाँ से आना है वो पोर्टल वालों की या डिलीवरी यू नो वेंडर्स की हेडेक है. कि आपने दिल्ली में बैठ के कोई चीज़ ऑर्डर करी, वो दिल्ली में अवेलेबल होती है बट वो कहीं से बैंगलोर से हैदराबाद से ट्रैवल करके आ रही होती, तो वो कैसे आएगी? इट्स नॉट योर कंसर्न. ये होता ही नहीं है हमारा कंसर्न. हमने डिलीवर हमने ऑर्डर प्लेस किया एंड दैट्स इट, देन वी आर ऑफ फ्रॉम दैट पोर्टल. और हम जब हमें मालूम है कि वो कब आनी है, तो इसी तरह से आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यही टेक्निक फॉलो करती है. जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, आप एफर्मेशंस लिख रहे हैं, आप थैंक यू कर रहे हैं यूनिवर्स को, उसके साथ में आपके एक्शंस दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. आपको डेस्पिरेट नहीं होना है, आपको ये बार बार नहीं सोचना है, डाउट नहीं लेकर आना है कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये आपको नहीं सोचना है. सेकेंड थिंग, आपको वो पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए ये सोचना है. ठीक है, आपको क्या एक्शंस लेने हैं, यूनिवर्स के क्या एक्शंस होंगे, दैट्स नॉट योर टास्क. बट व्हाट विल बी योर एक्शंस, दैट इज़ योर टास्क, दैट शुड बी योर कंसर्न. वो आपका मतलब होना चाहिए, वो आपका थॉट होना चाहिए. ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि आप जर्नल्स जो जितने भी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हैं वो भरते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे हैं, कोई मैजिक यू नो कुछ भी टेक्निक्स जो होती हैं वो आप फॉलो करते जा रहे हैं. देयर लॉट ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस का सीरीज जो थी उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है. तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बट उनके साथ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, लॉ ऑफ अजम्पशन के साथ आपका एक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. Only then you know that what actually you do deserve and what you gonna get. आपको क्या मिलने वाला है, correct? Because if you will not follow this, अगर आप सिर्फ और सिर्फ copies भरते जाएंगे, diaries भरते जाएंगे और God के सामने बैठ के, universe के सामने बैठ के बस उस चीज़ के लिए, desire के लिए, अपनी manifestation के लिए request करते, prayer करते जाएंगे but आप कुछ नहीं करेंगे, so how that thing will happen? आपको रास्ते दिखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो आपको ग्रैब करनी है, क्रैक करनी है, राइट? सो यू हैव टू डू योर कार्मा. आपके एक्शंस ज़रूर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग एंड आफ्टर दैट यू विल श्योरली मैनिफेस्ट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर. जो भी आप चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिलेगा. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गारंटी है. लेकिन उसके साथ में आपको ये चीज़ों को फॉलो करना है. कभी भी सोचना नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हो जाए कैसे होगा, ये सब कुछ आपका टास्क नहीं है. आपका टास्क है आपने बोल दिया हो जाएगा, अब आप पीछे होके बैठ जाइए और अपना काम करिए, अपने एक्शंस लीजिए जो उस टास्क को होने के लिए या उस विश को कंप्लीट करने के लिए होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू नो यू विल मैनिफेस्ट फास्टर. आप इस तरीके से मैनिफेस्ट जल्दी करेंगे. ठीक है, तो अप्लाई कीजिए इसको, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए and dekhiye that miracle will happen, that magic will happen very soon. Thank you so much, have a very blessed day ahead.